नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मूंग, मठ, चने को अंकुरित करेंगे और इन्हें कैसे रखें कि हफ्ते भर तक बार बार निकाल कर इन्हें यूज कर सकें, और इनसे बनाएंगे टेस्टी हेल्दी सलाद। इसे प्रोटीन सलाद भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस सलाद है। साथ में इसे आप रोज़ाना खाएंगे तो आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा। तो शुरू करते हैं। ये हमने ये तीन तरह के ग्रेन्स ले लिए हैं, देसी चना, हरे मूंग और ये मठ। आप कोई भी ग्रेन्स ले सकते हैं जिनके स्प्राउट्स आपको बनाने हो। और सबसे पहले हमें इन्हें धोकर भिगोना होता है। ये एक छोटी कटोरी देसी चने, वजन में 100 ग्राम। साफ है ये एकदम से, इन्हें धो लेते हैं। पानी हटा दिया, एक बार और वॉश कर लेते हैं। अब डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा पानी डालिए क्योंकि ये फूलते हैं बहुत। इन्हें भिगोकर आप 8-10 घंटे के लिए रख दीजिए या ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इसी तरीके से ये मूंग ली, इसे भी धोया और भिगो दिया। ये मठ, इसे मटकी भी कहते हैं, इसे भी उसी तरह से धोया और भिगो दिया। ये तीनों ग्रेन्स हमने भिगो दिए, प्याले ढक दिए। अब इन्हें 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए। 8 घंटे के बाद ये तीनों प्याले तैयार हो गए। ये देखिए चने कितने बड़े बड़े हो गए भीग कर, और इतने नरम हो जाते हैं कि इन्हें आप हाथ से इस तरीके से काटें तो ये कट जाते हैं। इसी तरीके से मठ एकदम फूल के तैयार हो गए। हाथ से दबाएं तो देखिए ये दब जाते हैं, छिलका भी उतर जाता है। और इसी तरीके से मूंग, देखिए कितने फूले फूले, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये। और इसे भी मैश करेंगे ना हाथ से दबाकर, तो ये देखिए मैश होने लगे। तीनों ग्रेन्स अच्छे से फूल कर तैयार हो गए। अब स्प्राउट बनने के लिए तैयार करेंगे। तो इनका सबसे पहले ये पानी हटाएंगे, और ये कॉटन का कपड़ा, किचन टॉवल, सेफ्टी के लिए मैं प्याले में बिछा ले रही हूँ इसे, और ये चने इसके अंदर। इन्हें लपेटने के लिए कॉटन टॉवल ही यूज करनी है। इस तरीके से लपेट दीजिए, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से डाल दीजिए क्योंकि अंकुरण होने के लिए थोड़ी नमी चाहिए। और ये जो चने लपेटे हैं उन्हें हम रख देंगे इस छलनी में। छलनी एक प्याले के ऊपर रखी है, थोड़ी सी हवा नीचे से भी लगेगी और ऊपर से तो लगेगी। इसी तरीके से मैं बाकी के ग्रेन्स को भी कपड़े में लपेट कर तैयार कर लेती हूँ। ये मूंग को लपेट के रखा, और ये मठ यानी मटकी को, यानी तीनों ग्रेन्स हमने अलग अलग लपेट कर एक ही छलनी में रख दिए हैं। अब इन्हें 12 घंटे के बाद चेक करेंगे। ये तीनों ग्रेन्स हमने कल इन कपड़ों में लपेट के रखे थे, तो पहला वाला कपड़ा उठाते हैं। ये है मूंग के अंकुरित, कितना बढ़िया अंकुरण हुआ है। ये 12 घंटे में ही इतने बड़े बड़े अंकुर निकल के तैयार हो जाते हैं। ये है मठ के अंकुरित, इनमें भी अच्छा अंकुरण हो गया है, 1-1 सेंटीमीटर के अंकुर निकल आए हैं। अब लास्ट ग्रेन्स चने, चने देर से अंकुरित होते हैं, इसमें 24 घंटे में थोड़ा सा छोटा छोटा अंकुरण होता है। ग्रेन्स अंकुरित हो चुके हैं और अभी ये अंकुर छोटे हैं, खाने में बहुत ही मीठे और अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये अंकुर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनकी मिठास हल्की सी कड़वाहट में बदलने लग जाती है, फुसफुसे से लगते हैं, और ज़्यादा दिन बाहर रखे रखे तो ये चिपचिपे भी हो जाते हैं। अगर आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें तो इनका अंकुरण धीमा हो जाता है और ये पूरे 7 दिन तक मीठे और ताज़े बने रहते हैं। तो इन्हें फ्रिज में रखने के लिए तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये मूंग के अंकुरित, जब ये अंकुरित हो जाए और आप इन्हें स्टोर कर रहे हैं तो एक बार पीने के पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद इन्हें छलनी में डालकर पानी अच्छे तरीके से निचोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए छोटे प्याले के ऊपर रख देते हैं और निचोड़ने देते हैं। ये पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें डाल के रखेंगे ताकि ये पूरे 7 दिन तक यूज हो सकें, खराब नहीं हो जल्दी से। बस इसमें इतने ही आएंगे, डब्बे में भरकर डब्बा बंद करके फ्रिज में रख लेंगे। तो ये हमारे अंकुरित तैयार हो गए, और ये जो बचे हैं अभी बनाने के काम में लेंगे। इसी तरीके से मठ को धोकर निचोड़ कर डिब्बे में रख दिया, और बिल्कुल इसी तरह से चनों को भी।
ये तीनों ही ग्रेन्स के अंकुरित बनकर तैयार हो गए। अब इनसे सैलड बनाते हैं। हम सैलड में तीनों तरह के ग्रेन्स यूज करेंगे। आधा आधा कप ले लेते हैं सभी। वैसे तो आप अपने हिसाब से कोई भी कम ज्यादा ले सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप इन्हें बराबर से नापे। और आधा कप चने, और आप अपनी पसंद से कोई भी दो ग्रेन्स भी ले सकते हैं। कभी मन हुआ कि आज हमें मोट के नहीं खाने, चने और मूंग ले लीजिए। कभी मन हुआ कि आज हम मोट और मूंग दोनों ले लेते हैं, चने नहीं लेते। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। बस इतने बहुत है। जब ये फ्रिज में रखे हैं और तब आप डब्बों में से निकाल रहे हैं, तो एक बार बनाने से पहले वॉश कर लीजिए। लेकिन अभी हमने तुरंत ही वॉश किए तो वॉश करने की जरूरत नहीं है। इन्हें उबालने के लिए डाल देते हैं एक बर्तन में, और थोड़ा सा पानी, जितना कि ये अच्छे तरीके से डूब जाए, फ्लेम ऑन। और इसमें डाल देंगे चौथाई छोटी चम्मच काला नमक। थोड़ा सा इन दानों के अंदर नमक का टेस्ट आ जाएगा। और अब इन्हें 5-6 मिनट उबलने देते हैं, फिर चेक करेंगे। इधर जब तक अंकुरित उबल के तैयार होंगे, तब तक हम खीरा और टमाटर काट लेते हैं। खीरा भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं इसमें। इसे आप रोजाना के खाने में, सैलड में तो यूज करते ही हैं, अपने ग्रेन्स के सैलड में भी जरूर यूज करें। थोड़ी सी इसके अंदर सब्जियां आ जाती हैं, टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं इसमें ले रही हूँ इतना खीरा। इसको हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे। खीरा कट गया, अब टमाटर भी काट लेते हैं। टमाटर के चारों तरफ से इस तरीके से पल्प निकाल लेंगे इसका, लेकिन बीज नहीं हमें डालने होते सैलड में। ये जो बीज वाला पार्ट है, ये टोटली हटा दीजिए। और अगर इनके अंदर बीज आ गए हो तो भी निकाल दीजिए। और अब इन्हें भी छोटा छोटा काट लीजिए। खीरा और टमाटर भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ये जो टमाटर है के अंदर बीज और पल्प है, वो आप जब सब्जी बनाएंगे उसके साथ पीस कर यूज कर लीजिए। इन्हें उबलते हुए 5 मिनट हो गए, और ये ऊपर ऊपर थोड़े से हमें छिलके दिखाई दे रहे हैं, इन्हें निकाल कर हटा दीजिए। सारे छिलके नहीं जाएंगे, थोड़े से छिलके जो ऊपर ऊपर होते हैं वो निकल जाते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये छिलके आप बाहर निकालें, अगर आपको पसंद हो तो आप इसी में छोड़ सकते हैं। इसे चेक करने के लिए एक चना उठाइए और इसे दबाकर देख लीजिए, क्योंकि चना सबसे देर में कुक होता है। ये देखिए, ये भी मैश होने लगा। बस 6-7 मिनट ही लगते हैं ना उबलने में। इसे छान लेते हैं। अंकुरित उबल कर तैयार हो गए। खीरा टमाटर भी कट चुका है। ये अंकुरित का सूप है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले दिन से ही उन्हें फर्क पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा बस काला नमक है। थोड़ा और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डाल दीजिए। अब फटाफट सलाद तैयार करते हैं। तो ये बॉयल अंकुरित, खीरा और टमाटर। ग्रेन्स में तो पहले से ही नमक है, खीरा टमाटर डाल रहे हैं उसके लिए भी नमक चाहिए। तो ये है आधा छोटी चम्मच काला नमक, और ये आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। बस इसमें ज्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं। और ये डाल रहे हैं हम एक चम्मच हरे धनिया की चटनी, जो हमारे फ्रिज में हमेशा रहती है, और एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल। और बस अब इसे मिक्स कर दीजिए। इस सैलड को तो हमारे परिवार में रोजाना ही नाश्ते में खाते हैं। अब इस सैलड में मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज डालूंगी, वो है भीगे हुए बादाम। ये इस छोटी सी बोतल में एक ही बार मैं 25-30 बादाम भिगो देती हूँ। मुझे रोज नहीं भिगोने पड़ते, और इस बोतल को फ्रिज में रखती हूँ। और जब मुझे सैलड में ये बादाम डालने होते हैं, तब मैं इन्हें बोतल से निकालती हूँ और पानी चेंज करके फिर से फ्रिज में रख देती हूँ। यानी 7 दिन आपको ये बादाम बहुत अच्छे मिलेंगे, रोज का कोई टेंशन नहीं है। ये बादाम को छील करके सैलड में डाल दीजिए। तो मैं 4-4 बादाम पर पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ। ये सलाद हमारा बनकर तैयार हो गया। तीनों ग्रेन्स अंकुरित हो चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। सुबह का नाश्ता आप ये अंकुरित दानों से बनाकर खाएं तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट भी कंट्रोल रहता है, और सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स भी मिलते रहते हैं। इन्हें आप डब्बों में अच्छे तरीके से बंद करके फ्रिज में रखें और पूरे 7 दिन तक यूज करें। बनाने का तरीका एकदम आसान है, बहुत जल्दी बनता है। इसे आप ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसा लगा। आप इसे लंबे समय तक खाइए, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना एनर्जी फील हो रहा है
और ये आपके वेट को कंट्रोल कर रहा है। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।